The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So, subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, Namaskar, Adab Sasrikal, Dosto, Mehu, Dr. Paramjit. aap Ji, rahe Krehe, Doctor Education. Dosto, Bath Karenge aaj Hum Carpal Tunnel Syndrome. Kaisari lo. लोग इससे पीड़ित हैं ग्रसित हैं कई लोगों को इसके बारे में कछु पता नहीं है मतलब कुछ नहीं पता है बन तुम्हारा माइथ हवा भाई जी आता ऐकुन गया का टनल सिंड्रोम मतलब क्या मतलब देखिए आपके हाथों में यहाँ पे यहाँ पे ऐसा यहाँ से अंदर से बिल्कुल सेंटर से एक नर्व आती है जो हाथ में जाती है सब फैल जाती है पूरे हाथ में दिस नर्व एक नस आती है नॉट खून की नस इलेक्ट्रिकल नर्व इलेक्ट्रिकल नर्व जो यहाँ से आती है वहाँ पर जो नर्व है उसको बोलते हैं मीडियन नर्व बीच में होती है इसलिए मीडियन नर्व मीडियन नर्व रिस्ट के अंदर ये आपको आपकी फीलिंग्स आपकी हाथ की मूवमेंट इसको कंट्रोल करती है वहाँ पे जो टच है सेंसेशन है उसको कंट्रोल करती है आपको जो मजा आता है हाथ लगा कहीं पर उसकी सेंसेशन को कंट्रोल चलती है तो हो क्या रहा है कार्पल टनल सिंड्रोम का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्चुअली हमारे हाथों में क्या होता है ये इतनी यहाँ पर टाइटनेस हो जाती है यहाँ पर टाइटनेस हो जाती है कि ये कार्पल ये मीडियन नर्व दबने लग जाती है तो यहाँ पर टाइटनेस होने की वजह से मतलब यहाँ पर रिस्ट बहुत ज़्यादा दब रही है बिकॉज ऑफ इंटरनल फाइबर्स एक्सेसिव प्रेशर आ रहा है मीडियन नर्व पे उसको बोलते हैं कार्पल टनल प्रॉब्लम ये कार्पल टनल बोलते हैं जिस टनल में से मीडियम नर्व जाती है यहां पर अगर मीडियम नर्व पे दबाव आता है तो आपके हाथों में नमनेस आएगा एक ही हाथ में आएगा यही दबाव है यहाँ तो नहीं आएगा नमनेस आएगा टिंगलिंग आएगा कमजोरी आएगी और कभी कभी मसल भी डैमेज हो सकती है कमजोर हो सकती है सो दैट इज द मीडियम नर्व एंट्रेपमेंट इन द कार्पल टनल कॉल्ड एज कार्पल टनल सिंड्रोम बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर्स कार्पल लिगामेंट ओके नाउ दिस इज अ फाइबरस टिश्यू फाइबरस टिश्यू होता है यहाँ पे सो so, आपके हाथ को ये देने वाले मतलब पाम आपके पाम थम इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर ये सारे फिंगर्स को कंट्रोल करने वाले जो तो नस है अगर वहाँ दिक्कत आ जाए तो क्या क्या हो सकता है बहुत इम्पोर्टेंट सो नॉर्मली क्या होता है uh, ये कभी कभी जैसे ऐसे मुट्ठी बंद करें तो क्या हो जाता है कि रिस्ट का मोशन बार बार होने से इस मुट्ठी बंद करने से भी ये बार बार हो सकता है कि टनल सिंड्रोम प्रेसिपिटेट हो जाए <coughs> या फिर जो वाइब्रेशन वाली चीजें बहुत बार यूज करते हैं लोग हाथ से काम करने वाले लोग उन लोगों को भी कई बार ये कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं स्टडीज़ में ये देखा गया है कि कार्पल टनल सिंड्रोम जो है कंप्यूटर पे टाइपिंग के वजह से नहीं होता माउस के इस्तेमाल करने से नहीं होता और इंस्ट्रूमेंट के प्लेइंग या स्पोर्ट्स खेलने से नहीं होता ऑल दो ये सारी एक्टिविटीज से टेंडन पे ब्रूस ब, टेंडन पे इन्फ्लामेशन हो सकता है टेंडनाइटिस हो सकता है बर्साइटिस हो सकता है और जो अपने आप में धीरे धीरे कार्पल्स टनल को थोड़ा नैरो करेगी लीडिंग टू द सिम्टम्स बट ये अकेले इम्पोर्टेंट अकेले कारण नहीं है मगर यस यू कैन ऑलवेज ये एक कंप्लीट स्टडी नहीं होती ये प्रूवन नहीं है लेकिन ये बात और है कि जो भी हाथ से काम करेगा जो भी हाथ से बहुत हैवीली काम करते हैं उन लोगों के लिए ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको दिक्कत होगी एक नंबर दो उम्र के साथ तीस से साठ की उम्र के बीच में ये दिक्कत ज़्यादा होती है नंबर तीन अगर आप दारू पीते हैं तो ज़्यादा रिस्क है किसी को यहीं पे फ्रैक्चर हो गया यहाँ पर कहीं फ्रैक्चर हड्डी का फ्रैक्चर रिस्ट में फ्रैक्चर माल यूनियन या अलग कोई जुड़ गया तब प्रॉब्लम हो सकती है कोई ट्यूमर सिस्ट यहीं पे एरिया में कोई गांठ बन गई तो प्रॉब्लम हो सकती है कोई इन्फेक्शन हो गया मोटापा ज़्यादा है अगर आपकी बॉडी में सूजन आ रही है फ्लूड एक्यूमुलेट हो रहा है प्रेगनेंसी या मीनोपोज की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके वजह से सॉरी सॉरी जैसे मैंने कहा आज थोड़ी तबीयत तो नासाज है कोई बात सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के वजह से भी हो सकता है और एमाइलाडोसिस uh, जैसी कुछ बीमारियां होती हैं उनकी वजह से भी हो सकता है बहुत सारी अजीब अजीब बीमारियाँ हैं तो अगर आपको है तो आपको क्या होगा मैंने बताया टिंगलिंग नमनेस होगा हाथों में पामों में फिंगर में पामो पाम में हाथ के क्लम्बली कम क्लं, क्लम्बीनेस हो सकता है कि चीज़ें पकड़ के छूट रही हैं सही से पकड़ नहीं पा रहे अरे यार ये क्या हो रहा है अरे यार ये क्या हो रहा है ऐसे कुछ तो और पेन हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है फिंगर मूवमेंट कोऑर्डिनेशन राइटिंग इसमें प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स इसमें प्रॉब्लम आ सकती है मसल्स जो है पतली हो सकती है कि भी हमने देखा ये हाथ की मसल जो है अच्छी मोटी है यहाँ के एकदम पुच हो गया समथिंग लाइक दैट ग्रिप वीक हो सकती है एक हाथ में कमजोरी आ सकती है सो so ऐसा कुछ है तो आप डॉक्टर के पास जाओ आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ आइडिया मिलेगा फिर आपके डॉक्टर क्या देखेंगे कि आपको नमनेस तो नहीं है पाम फिंगर रिंग फिंगर सब जगह पे हाथों की ग्रिप कैसी है ये दो फिंगर ये से पकड़ो दो फिंगर यहाँ से पकड़ो टाइट करो खींचो साइड आपके मीडियम टैप करके देखा जाएगा जब ये टैप करते हैं टैप करने से अगर आपको वैसे तो मेरे को भी थोड़ा सा सेंसेशन तो हो रहा है एकदम जैसे नस को नहीं याद दबता टोंग ट्रिंग वैसा लेकिन आपको अगर शूट पेन शूट हो रहा है यहाँ से ठोंग सीधा हाथ में पेन पेन नहीं हो रहा मेरे को सिर्फ अलग सा सेंसेशन हो रहा है कि हाँ नस पे कुछ दब रहा है टंग 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 पेन हो रहा है अगर सीधा आपको उसको शूटिंग पेन बोलते हैं जिसको बोलते हैं टीनियल साइन टंग 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 टीन ईयरस है तो दैट इज वन साइन कि वो दब रही है वो सूजन है क्योंकि नस दब दबती है ना नस दबती है तो नस सूजन लगती है दबाव के बाद अजीब है नस सूजने लग जाती है इन्फ्लेम हो जाती है इनफ्लेमेटर सूजने लग जाती है फिर ब्रेंड, ब्रेंड, रिस्ट को बेंड करके रखो अगर साठ सेकेंड तक अगर आपने रिस्ट को आगे तरफ बेंड करके रखा साठ सेकंड तक तो इससे भी रिस्ट जो है नम हो जाती है नम 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 या टिंगलिंग या कमजोरी आ जाती है दैट इज कॉल्ड ए स्पैलन टेस्ट फैलन टेस्ट या टीनियल साइन टीनियल साइन फैलन टेस्ट इससे हम बता सकते हैं हाँ भाई कार्पल टनल ही लग रहा है <coughs> उसके अलावा एक्सरे कर सकते हैं इसका कि भाई आर्थराइटिस तो नहीं है कभी कभी क्या होता है आर्थराइटिस में ऐसे ऐसे सींग निकल आते हैं आपके हड्डियों के जी हाँ आर्थराइटिस में और वो दबा नहीं सकती है या इरेगुलर ग्रोथ होने लगती है फिर यहाँ पे नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट देखा जा सकता है कि जो मीडियम नर्व है इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है उसकी ऐसी तैसी तो नहीं हो गई वो कम तो नहीं होगी खराब तो नहीं हो गई इलेक्ट्रोमायोग्राफी नाम का टेस्ट होता है मसल्स और नर्व्स जो है उसका कंट्रोल फैक्टर सही से है या नहीं ये सब टेस्ट के बाद अल्टीमेटली डिसाइड किया जाता है बाय एन ऑर्थोपेडिशन कि हाँ आपकी प्रॉब्लम जो है ये कार्पेटल सिंड्रोम है और उसका जो ट्रीटमेंट है उस पर डिपेंड डिपेंड करता है किस पे नंबर पहले तो आपको दिया जाता है स्प्लिंट रात को आपको कुछ कई हफ्तों के लिए स्प्लिंट पहन के सोना पड़ेगा अगर इससे काम हो जाता है तो वेरी गुड अगर इससे हेल्प नहीं हुआ तो आपको पूरा दिन दिन और रात दिन और रात स्प्लिंट पहन के रहना पड़ेगा फिर वो हाथ थोड़ी देर काम का नहीं स्प्लिंट पहन के है रिस्ट के ऊपर गलती से भी सोना नहीं गरम और ठंडे कंप्रेशन रख सकते हैं अफेक्टेड एरिया में उससे हेल्प मिल सकता है उसके अलावा देर आर डिवाइसेस जैसे कि Uh, कुछ तरीके के वर्क प्लेसेज जैसे डेर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर माउस जैसे कुशन पैड माउस पैड है कीबोर्ड में ड्रॉवर्स है ऐसा ड्रॉर्स में कीबोर्ड है कि आपके इसके ऊपर प्रेशर ना आए दोज आर द थिंग्स विच यू कैन डू सम और क्या कर सकते हैं uh, क्या मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो कीबोर्ड कीबोर्ड ऊपर होगा तो यहाँ पे दर्द होगा तो नीचे कीबोर्ड हो ताकि रिस्ट जो है फ्लेक्स की जगह एक्सटेंडेड हो रिस्ट नीचे रहेगा तो कीबोर्ड रहेगा तो नीचे एक्सटेंड रहेगा ऊपर रहेगा तो फ्लेक्स रहेगा दैट काइंड ऑफ अ थिंग फिर अपने वर्क अपना स्पोर्ट्स जो भी आप काम करते हो मान लो उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कि ये नर्व जो है दबे ना फ्लेक्स ना हो या वट ऐसी चीज़ें फिर अल्टीमेटली देर आर सम मेडिसिन मेडिसिन में क्या आती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन ब्रोफिन एपोब्रोफिन अपना नेपरॉक्सिन कुछ नहीं हुआ तो इंजेक्शन इंजेक्शनस होते हैं स्टीरोयड स्टीरॉयड इंजेक्शन यहाँ लगाते सूजन कम हो जाती हैं सिम्टम्स रिलीफ हो जाते हैं फॉर सम टाइम नॉट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम अल्टीमेटली जो ट्रीटमेंट होता है सर्जरी सर्जरी से क्या होता है ऑपरेशन uh, करके जो नस दबरी होती है उसके प्रेशर को रिलीज़ कर दिया जाता है जो ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स का कार्पल लिगामेंट होता है उसको काट दिया जाता है वो रिलीज हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है कंप्रेशन रिलीफ हो जाती है नर्व्स रिलैक्स हो जाती है और most of the times operation is successful but it will depend upon ये क्या हुआ ये क्या हो गा? कुछ हो गया है क्षमा करें सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं ओके चलिए थैंक यू सो मच प्लीज़ शेयर दिस वीडियो स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी